Vayam Prabha. Digital India. Educated India. गुड आफ्टरनून एवरीबडी टुडेज टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज कल मर्डर माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू दिस इज माय नाइन्थ लेक्चर टू हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर यू यह अपराधिक विधि के अंतर्गत मेरा नाइन्थ लेक्चर है जिसको मैं आपके समक्ष आपराधिक मानवबद्ध और हत्या में डिफरेंस, उससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के वाद और उससे संबंधित भारतीय जनसंख्या के धारा दो सौ निन्यानवे एंड सेक्शन थ्री हंड्रेड के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर विस्तार से विवेचना करेंगे तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक निर्णयों के माध्यम से सेक्शन टू नाइन्टी नाएंट से संबंधित वाद को विस्तार से चर्चा करेंगे और जिससे संबंधित दो और 300 से संबंधित सभी प्रावधानों को आप सभी समझ पाएंगे तो स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि पहला तो है आपराधिक मानववध सेक्शन 299 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपराधिक मानववध भारतीय जनसंहिता की धारा दो के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित की जाए तो वह आपराधिक मानववध होगा यदि धारा दो में प्रावधानी तीन परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में मृत्युकारित की जाए इसके पहले यह जानना आवश्यक होगा कि होमिसाइड जो शब्द है इंग्लिश का शब्द है अंग्रेजी शब्द है होमिसाइड दो शब्दों से बना हुआ है होमी प्लस सीडो होमी मीन्स होता है ह्यूमन बींग सीडो मीन्स होता है कट एच ओ एम आई होमी मीन्स ह्यूमन बींग सीडो सी आई डी ओ सीडो मीन्स कट टू कट अर्थात टू कट ह्यूमन बींग तो होमोसाइड का जो शाब्दिक अर्थ है वह है टू कट ह्यूमन बींग टू किल द ह्यूमन बींग अर्थात एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना मानव वध कहलाता है होमिसाइड कहलाता है अब यह होमिसाइड कल्पेबल होगा कि कल्पेबल नहीं होगा होमिसाइड के पहले जो प्रीफिक्स यूज किया गया है कल्पेबल कल्पेबल मीन्स होता है आपराधिक इसका मतलब है कि मानववध आपराधिक भी हो सकता है और आपराधिक नहीं भी हो सकता है तो ये सभी छात्रों के लिए जानना आवश्यक होगा कि सभी मानववध आपराधिक नहीं होते केवल वही मानववध आपराधिक होते हैं कल्पेबल होते हैं जो विथ स्पेसिफिक इंटेंशन जो विथ गिल्टी इंटेंशन कमिट किए जाते हैं अर्थात जब एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु आशय के साथ या इस ज्ञान के साथ की जाए कि वह जानते हुए कोई ऐसा कार्य करता है कि ऐसी शारीरिक क्षति मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त है और मृत्युकारित कर दी जाए तो ये मानववध की श्रेणी में आएगा परंतु जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक मानववध आपराधिक नहीं होता अर्थात होमिसाइड लाफुल भी हो सकता है अनलाफुल भी हो सकता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि लाफुल होमिसाइड को देखें तो लाफुल होमिसाइड ऐसी ऐसा मानववध जो विधिपूर्ण है जो क्षम्य है या तो वह दूषित आशय के अभाव में क्षम्य होता है या न्याय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मानववध को छम में घोषित किया गया है प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मानववध होमिसाइड वर्ड से ही लगता है कि यह अपराध माना जाएगा परंतु आप सभी के लिए आवश्यक है यह जानना कि सभी मानववध आपराधिक नहीं होते क्योंकि मानववध जो जो होमिसाइड है वह में भी हो अनलाफुल भी हो सकता है और लाफुल भी हो सकता है लाफुल साइड कब होगा विधिपूर्ण मानवबद कब होगा जब वह किसी ऐसे तथ्य की भूल के कारण कोई ह्यूमन किलिंग धारा 76 के अंतर्गत विधिक आबद्धता के अधीन किसी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु मृत्युकारित कर दी जाए परिस्थितियाँ ऐसी हुई हों कि सुपीरियर पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को यह निर्देशित किया जाए पुलिसकर्मी को निर्देशित किया जाए कि उग्र भीड़ हो गई है और यह ज़्यादा हिंसक हो गई है ज़्यादा लोगों की मृत्यु तो कारित कर देगी अतः वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के पालन में अगर कोई कांस्टेबल पुलिस यदि भीड़ पर गोली चलाता है और उसमें कोई व्यक्ति मर जाए तो ये धारा सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत ऐसे कार्यों को क्षम्य घोषित किया गया मान लिया जाता है कि पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ विद ड्यू केयर एंड कॉशन चेतावनी देते हुए कि भीड़ हिंसक न करे भीड़ हिंसा न करे और यदि उसके पश्चात भी भीड़ यदि हिंसा करती है और हिंसा को रोकने के लिए बड़ी हिंसा को रोकने के लिए यदि विधिक आबद्धता के अधीन कोई आदेश दिया जाए और उस आदेश का पालन करता है और उसमें कोई मृत्यु हो जाए तो ये धारा सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत क्षम्य होगी ऐसे ही दुर्घटना में जो एक्सीडेंटल डेथ होती है दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए धारा अस्सी के अंतर्गत ऐसे मृत्यु को क्षम्य क्योंकि गिल्टी इंटेंशन नहीं होता दूषित आशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता उसी के तहत यदि किलिंग भी हो जाए यदि एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित कर दी जाए और ऐसी मृत्यु के पश्चात ये पाया जाए कि जो डूवर है जो जो मृत्यु कारित किया है वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है पागल है और मानसिक अस्वस्थता के कारण वो अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है कि जो वह कार्य कर रहा था वह विधि के विरुद्ध है या अवैध है या दोषपूर्ण है रांगफुल है तो ऐसी स्थिति में चूंकि अस्वस्थ अनसाउंड पर्सन जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है उसका मानसिक स्थिति इतनी परि अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं रखता उसका दूषित आशय होता ही नहीं इसलिए दुराशय के अभाव में किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता और अनसाउंड पर्सन के द्वारा किए गए कार्य को क्षम वैसे ही जो ऐसे बालक हैं जो सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा यदि मृत्यु कारित कर दी जाए दूसरे किसी व्यक्ति की तो यह नहीं माना जा सकता कि सात वर्ष का जो बालक है यह इतनी अंडरस्टैंडिंग रखता है इतनी मेच्योरिटी रखता है कि वह मारने के पश्चात भागने का प्रयास किया तो इसको हम दोषी मान लिया जाए क्योंकि सात वर्ष से कम आयु के बालक को ये माना गया बायोलॉजिकली माना गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना गया कि उसका जो मस्तिष्क है वह इतना परिपक्व मेच्योर नहीं होता कि वह अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता रखता हो इसलिए साइंटिफिकली बायोलॉजिकली उसका जो ब्रेन है मस्तिष्क है वह इतना मेच्योर विकसित नहीं होता कि अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता रखता हो इसलिए सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है चाहे वह किलिंग ही क्यों ना मृत्यु कारित क्यों न किया हो तो हम देखते हैं कि आईपीसी स्वयं भारतीय दंड संहिता अठारह के अंतर्गत अध्याय चार में धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक में उन प्रावधानों की विवेचना की गई है जिन धाराओं के अंतर्गत दुराशय के अभाव में दूषित आशय के अभाव में गिल्टी इंटेंशन के अभाव में मृत्यु तो कारित कर भी दी गई हो तो ऐसे किलिंग को हम अनलाफुल किलिंग नहीं मानते अब वह मान आपराधिक मानववध नहीं माना जाता अब ये धारा 92 के अंतर्गत भी हम दृष्टान के माध्यम से देख सकते हैं कि बानवे के अंतर्गत है कि किसी भी यदि डॉक्टर के द्वारा ऐसे मरीज का ब्रेन का मस्तिष्क का ऑपरेशन करना है जो ब्रेन इंजरी हुई है जिसका मस्तिष्क चोट में उसके सर में बहुत चोट लगी है और न तो वह बताने की स्थिति है बोलने की स्थिति में है सड़क पर पड़ा हुआ है कुछ लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि अगर तत्काल इसके मस्तिष्क का ऑपरेशन न किया जाए तो इसकी मृत्यु हो सकती है बिना घर वालों के सलाह बिना घर वालों की सहमति बिना उस पीड़ित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अनुमति के बिना सहमति के बिना क्योंकि सहमति देने व कांसर अवचेतन अवस्था में उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति के फायदे के लिए पूरी सावधानी सतर्कता सतर्कता के साथ यदि चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन किया जाए और वह ऑपरेशन असफल हो जाए मरीज की मृत्यु हो जाए तो घर वाले परिवार वाले डॉक्टर के विरुद्ध यदि आपराधिक अभियोजन लाते हैं तो ऐसा डॉक्टर ऐसा चिकित्सक भारतीय जनसंख्याता अठारह सौ की धारा बानवे के अंतर्गत नाइन्टी के अंतर्गत बचाव ले सकता है और उसके द्वारा पूर्वक किए गए कार्य को आईपीसी की धारा 92 टू में घोषित करती है तो इन दृष्टांतों के माध्यम से इन विधिक प्रावधानों के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि होमिसाइड लाफुल भी होता है मानववध विधिपूर्ण भी होता है इन धाराओं के अंतर्गत दिया गया है अब आते हैं वे उन मानववध पर जो आपराधिक घोषित किए गए हैं तो भारतीय संहिता की धारा दो सेक्शन 300 हंड्रेड मर्डर को डिफाइन किया गया है और धारा 304 के अंतर्गत क के अंतर्गत ऐसी मृत्यु कारित करना जो कल्पेबिल तो सेक्शन 299 के अंतर्गत जो किलिंग है मानववध एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध होगा यह सेक्शन 299 में बताया गया अगर ग्रेविटी ज़्यादा है जो डिग्री ऑफ नॉलेज ज़्यादा है उस उस स्थिति में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तो की मृत्यु कायत की गई है उसे उस आपराधिक मानववध को हत्या माना गया अभी उसको विस्तार से देखेंगे कि मर्डर के कंटेंट क्या हैं तो प्रत्येक हत्या के अंतर्गत आपराधिक मानववध सम्मिलित है परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता वह विशेष परिस्थितियाँ उसके लिए दी गई हैं कि हत्या प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है परंतु आपराधिक मानववध हत्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसकी विस्तार से अभी चर्चा करेंगे धारा 300 के अंतर्गत और 300 में जो पांच अपवाद दिए गए हैं उन पांचों अपवादों के माध्यम से देखा जाएगा कि आपराधिक मानववध कब हत्या की कोर्ट में नहीं आता इन दो धाराओं के अवलोकन करने के पश्चात अन्य आई की अन्य धाराओं में जहाँ पे मानववध को कल्पेविल बनाया गया है मानववध को आपराधिक बनाया गया है वह धाराएँ तीन क है तीन ख है दहेज हत्या का मामला है अब विशेष करके चूंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय स्तर पर सेक्शन 299 नाएं और 300 को पढ़ाया जाता है आपराधिक मानवविद और हत्या में डिफरेंस बताया जाता है तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कल्पेबल पेबल मर्डर में क्या डिफरेंस है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या केस हैं दृष्टांत के माध्यम से भी और लीगल प्रोविज़न जो स्टैचूट्री प्रोविज़न है स्टैचूट आई में जो दिए गए प्रोविज़न है उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कल्पेबल हमे क्या है तो पहले मैं कल्पेबिल होमे की बात करता हूं कि आईपीसी की धारा 299 के अनुसार 299 के अनुसार जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु साहस कारित की जाए इंटेंशन विथ इंटेंशन किल किया जाए मृत्यु कारित किया जाए उसे आपराधिक मानववध माना जाएगा दूसरा दिया तीन दो सौ सिक्स दो सौ निन्यानवे में तीन परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में मानववध को आपराधिक घोषित किया गया है पहला ये हो गया कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सास से मृत्यु कारित करता है इंटेंशनल किलिंग करता है तो दैट इंटेंशनल किलिंग विल बी रेफर्ड है कल्पेबल हमेसाइड उस कल्पेबिल उस होमेसाइड को कल्पेबल माना जाएगा अब मानव वध को आपराधिक माना जाएगा दूसरा जो उसका क्लॉज है उस क्लॉज के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान के साथ कार्य करता है कि या जानते हुए कार्य कर क्षति कारित करता है शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु होनी संभाव्य है और मृत्यु हो जाए तो कल पेबिल हमें का दोषी माना जाएगा तीसरा ऐसी ऐसा कार्य कर ऐसा कार्य यह जानते हुए किया जाना जिससे व्यक्ति जानता है कि इस कार्य से संभाव्य परिणाम मृत्यु हो सकती है तीन चीज़ें हैं एक तो बॉडली इंजरी करना शारीरिक क्षति कारित करना यह जानते हुए कि इस क्षति ऐसी शारीरिक क्षति मृत्युकारित होना संभाव्य है दूसरा ऐसा कार्य करता करना जो यह जानते हुए कि इससे मृत्यु तो हो सकती है ये भी कल्पेबल हमेशा एट की श्रेणी में आएगा दृष्टांत के माध्यम से इसको समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा ये दृष्टांत सेक्शन 299 के अंतर्गत ही बताया गया है उस उसी दृष्टांत जैसा कि प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत जो भी दृष्टांत दिए गए होते हैं वे दृष्टांत उस धारा के अभिन्न भाग होते हैं और उस दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि जो धारा में लिखी गई बात है उसको और आसानी से सरलता से समझाया जा सके तो सेक्शन 299 के अंतर्गत जो दृष्टांत पढ़ा दिया गया है कि क एक ऐसा गड्ढा खोलता है यह जानते हुए कि इस गड्ढे में जो कोई भी व्यक्ति गिरेगा उसकी मृत्यु कारित हो सकती है और ख उस गड्ढे में यह जानते हुए कि वह गड्ढा नहीं है बल्कि उस पर घास रखा हुआ है और वह उस गड्ढे को पार करने का प्रयास करता है गड्ढे में गिर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है क आपराधिक मानववध का दोषी होगा अब यहाँ पर क्य अपराधिक मानवपत का दोषी क्यों होगा इसलिए दोषी होगा कि क जो कार्य कर रहा है वह अपने कार्य के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को जानता है अपने द्वारा किए गए कृत्य के स्वाभाविक परिणाम को जानना ही यह ज्ञान होगा नॉलेज होगा और वह हाँ चूंकि अपने कार्य के किए गए कार्य के स्वाभाविक परिणाम को जानता है इसलिए उसका दूषित आशय है जो कार्य कर रहा है विथ गिल्टी इंटेंशन है नॉलेज है और मृत्यु हो जा रही है यह के दो के अंतर्गत आपराधिक मानववध माना जाएगा ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत दो निन्यानवे में दिया गया है क यह जानता है कि ख झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है ख के मृत कारित करने के आशय से क ग को, को उकसाता है कि झाड़ पर गोली चलाए जिस पर उस पर बैठे हुए पक्षी को मारे ग यह नहीं जानता कि ख झाड़ के पीछे छुपा हुआ है क ग को, को उकसाता है क झाड़ पर गोली चलाता है और झाड़ के पीछे छिपा हुआ ख की मृत हो जाती है यहाँ पर यद्यप की ख यद्यप की ग जिसने गोली चलाई है वह उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि झाड़ के पीछे वह व्यक्ति ख छिपा हुआ है परंतु यहाँ पर क जिसने ग को ख की हत्या के लिए उकसाया है यहाँ पर क आपराधिक मानववध के दुष्परण का दोषी होगा हो सकता है क मिस्टेक ऑफ फैट का तथ्य की भूल का बचाव ले ले कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो वह कार्य कर रहा है उससे झाड़ के हर झाड़ के पीछे कोई व्यक्ति छिपा ही होता है इस बात का ज्ञान उसे नहीं था ग को हो सकता है कि उसे उसके द्वारा किए गए कार्य को तथ्य की भूल के कारण क्षमा कर दिया जाए ये दो दृष्टांत दिए गए हैं जिस दृष्टांत के माध्यम से आपराधिक मानव को हम समझने का प्रयास करेंगे अब यह ऐसा कार्य करना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको समझें और भी सरल भाषा में कि क भीड़ में ईट फेंकता है पत्थर फेंकता है यहाँ पर क के द्वारा भीड़ में पत्थर फेंकना और पत्थर के द्वारा पत्थर के द्वारा किसी व्यक्ति के सर पे सर को क्षतिग्रस्त करना और तत्पश्चात व्यक्ति की उस क्षतिग्रस्तता के कारण मृत्यु हो जाना यहाँ पर क के द्वारा किया गया जो कार्य है भीड़ में पत्थर चलाना भीड़ में ऐसे कोई धारदार या कोई ऐसी वस्तु फेंकना पत्थर मारना तो यह जानता है कि जो वह कार्य कर रहा है इसे किसी को क्षति हो सकती है यद्यप कि उसे किसी मारने का इरादा न हो आशय न हो लेकिन जो वह कार्य कर रहा है उसे उसे ज्ञान है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसे मृत्यु भी हो सकती है अगर किसी के सर पर लगेगा तो इसकी मृत्यु हो सकती है तो ऐसी स्थिति में क को, को आपराधिक मानवबद का दोषी माना जाएगा अब दूसरा दृष्टांत यहाँ पर देखें यदि क यह जानते हुए भीड़ में पचास लोगों की भीड़ में गोली चला देता है जो गोली यहाँ पर जो संसाधन है जो संसाधन की मारक क्षमता है और जो को, जो क का कार्य है जो क का, कृत्य है इन दोनों में इतना नज़दीक प्रॉक्सिमिटी है कि गोली का चलाया जाना मृत्यु मृत्यु हाईली प्रोबेबल है अनधिक संभावना है हाईली प्रोबेबिलिटी है अत्यधिक संभावना है कि उस गोली से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी भले ही किसी व्यक्ति विशेष को मारने का उसका इरादा ना हो लेकिन उससे उसके द्वारा किए गए कार्य का हाईली प्रोबेबिलिटी जो संभाव्य परिणाम है मृत्यु का होना है यहाँ पर इस व्यक्ति इस दूसरे दृष्टान्त में क को जो भीड़ पर गोली चलाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर वो हत्या का दोषी होगा क्यों क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु है इसलिए वह मर्डर का दोषी होगा और हत्या के जो कंपोनेंट हैं उसको और विस्तार से देखेंगे अभी आपराधिक मानववध के लिए और इसके दृष्टांत को देखा जाए इसी तरह से आपराधिक मानवबद्ध से संबंधित एक मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया उस केस का नाम है वासुदेव बनाम पेप्सू रा पेप्सू स्टेट ऑफ पेप्सू ए आई आर सुप्रीम कोर्ट बासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू यहाँ पर पेप्सू का मतलब पी ई e. पी एस यू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन करके है पहले 1956 की केस है तो ये हम बता दें यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि चूँकि ये पेप्सू अब आज की डेट में पेप्सू नाम का कोई स्टेट है नहीं भारत में पहले उन्नीस तक जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस में संसद ने बनाया उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पहले जो बरार स्टेट था पटियाला था उन सबको मिला कर के कई राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का उन्नीस के पहले के जो राज्य स्टेट हैं उनमें इस प्रकार के नाम नामांकन नाम निकलेचर आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इसको अन्यथा न लेते हुए कि ये स्टेट ऑफ पेप्सू क्या लिखा हुआ है पेप्सू राज्य क्या लिखा हुआ है यह उन्नीस तक पटियाला और पंजाब को मिला करके एक प्रांत था उसका नाम था पेप्सू फैक्ट्स इसमें देखें तथ्य क्या हुआ वासुदेव राम पेप्सू के केस में वासुदेव एक सेना का रिटायर्ड सेवानिवृत्ति कर्मचारी है और वह अपने गांव के समीप किसी दूसरे गांव में भोज में गया है किसी निमंत्रण में गया हुआ है वहाँ पर एक बालक को अपने बगल से उठ करके दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहा जाता है परंतु वह बालक को वहाँ हटने से मना कर देता है इससे वह वा वासुदेव अभियुक्त आक्रोशित हो जाता है आवेशित हो जाता है और जो उसके पास लाइसेंसी बंदूक लेकर वह गया हुआ होता है उस लाइसेंसी बंदूक से उस बच्चे के पर प्रहार कर देता है गोली चला देता है गोली बच्चे के पेट में लगने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है इस घटना के तुरंत पश्चात वासुदेव का घटनास्थल से फरार हो जाना भागना और ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले करना न्यायालय की समझ जब इस साक्ष्य को लाया गया तो वासुदेव ने उस मामले में इस बात का साक्ष्य लिया कि चूंकि घटना के समय वह मतता की स्थिति में था और मतता की स्थिति में होने इंटॉक्सिकेटेड था नशे की हालत में था और मतता की स्थिति में होने के कारण वो अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में था इसलिए उसके द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य कर दिया जाए उसका उस बालक को मारने का कोई दूषित आशय नहीं था अतः इस आधार पर उसके कार्य को क्षम्य कर दिया जाए अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को डिसाइड करना था कि क्या इस प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा कार्य करते समय अभियुक्त इस मानसिक स्थिति में था कि वह जो कार्य कर रहा है अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ था या समर्थ नहीं था तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत मामले में वासुदेव पेप्सू राज्य में डिसाइड किया गया कि अभियुक्त का यह तर्क कि वह नशे की हालत में था और मेडिकल रिपोर्ट जब उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराई गई तो वह भी एक चिकित्सीय साक्ष्य था कि वह नशे की हालत में था क्या उसे आपराधिक दायित्व तो से मुक्त कर सकती है उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और यह निर्णित किया कि अभियुक्त उस बच्चे के आपराधिक मानववध का दोषी है यदि वह इरादतन हत्या न भी किया हो उसका इंटेंशनल मारने का न भी रहा हो लेकिन अभियुक्त का कैसे माना गया कि अभियुक्त का जो कृत्य था वासुदेव का जो किया गया कार्य था वह आपराधिक मानववध माना जाएगा दैट एक्ट वॉज कमिटेड विथ गिल्टी इंटेंशन उस कार्य को आपराधिक आशय के साथ किया गया था ये कैसे माना जाए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि घटना के समय अभियुक्त के द्वारा बालक पर उस बच्चे पर गोली चलाना और गोली चलाने के पश्चात उसका जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर है, है पश्चातवर्ती उसका जो आचरण है भागने का प्रयत्न करना यह दर्शित करता है कि अपने कार्य के प्रकृत और पड़ामों को वह समझने में समर था इसलिए लोगों के भीड़ से बचने के लिए भागने का प्रयास किया होगा तो अभियुक्त का घटना के तुरंत पश्चात भागना यह उसके मानसिक स्थिति को दर्शित करता है कि अपने किए गए कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ था अतः वह दोषी है और उसे भारतीय जनसंख्या की धारा 304 के अंतर्गत यह मानते हुए कि उस बच वह बालक के हत्या का दोषी है और उसे आ, उसके छम वासुदेव के कार्य को भारतीय जनसंहता के अंतर्गत बचाव नहीं दिया गया और दोषी प्रदान की गई आपराधिक मानववध के लिए उसे दोषी ठहराया गया तो इस उच्चतम न्यायालय के इस वाद से और स्पष्ट हो जाता है कि किए कार्य करते समय जो जिस समय आपराधिक मानववध हुआ है उस समय अपराधी की मनस्थिति क्या थी उसका जो इंटेंशन था वह दूषित आशय था या नहीं था उसके पश्चातवर्ती आचरण से उसके द्वारा किए गए कार्य से साक्ष्यों के माध्यम से न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या अभियुक्त का अभियुक्त को इस बात का ज्ञान था कि जो वह कार्य कर रहा है विधिपूर्ण है दोषपूर्ण है या नहीं है तो इस मामले में कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा उस बालक की मृत्युकारित करना और मृत्यु मृत्युकारित करने के तुरंत पश्चात भागने का प्रयास करना यह उसके मानसिक स्थिति को परिपक्वता को दर्शित करता है कि अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ था इसीलिए भागने का प्रयास किया होगा और उसको दोषिधि प्रदान की गई तो अब यह आपराधिक मानववध के अंतर्गत जो मैंने स्लाइड बताई थी अभी दूसरी स्लाइड में इसको दिखाने का प्रयास करेंगे जो स्पष्टीकरण है धारा दो का स्पष्टीकरण एक दो तीन इस स्पर्शीकरण के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे गर्भस्थ बच्चे को ऐसा बच्चा जो अभी अजन्मा नहीं है परंतु उस बालक का बालक के शरीर का कोई अंग बाहर निकला है और उस पर यदि प्रहार किया जाए बच्चे की मृत्यु तो हो जाए तो यह आपराधिक मानवबध माना जाएगा परंतु यदि बच्चा गर्भ में है और उस पर यदि गर्भवती स्त्री पर प्रहार किया जाए तो ऐसी स्थिति में और बच्चा मर जाए तो उसे आपराधिक मानवबध नहीं माना गया है अर्थात यदि गर्भस्थ बच्चे के शरीर का कोई अंग मां था के गर्भ से बाहर था है और तो उस पर प्रहार किया जाए तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो आपराधिक मानववध माना जाएगा और यदि गर्भस्थ बच्चे का कोई अंग बाहर नहीं निकला है तो ऐसी स्थिति में यदि गर्भवती स्त्री के पेट पर प्रहार किया जाए वहां पर यदि बच्चे की मृत्यु गर्भ में हो जाए तो कल पेबिल होमेसाइड नहीं माना गया इस धारा के माध्यम से स्पष्ट बचाने का प्रयास किया गया कि जो अजन्मा बच्चा है और उसका यदि शरीर का कोई भाग बाहर निकला है उसकी मृतुकायत करना वो भी उसको भी मानव माना गया है उसको भी मानव मानते हुए और उसकी मृतुकायत करने के लिए आपराधिक मानव मानववध के दायरे में लाया गया है ये दृष्टांत के अंतर्गत बताया गया है अब यह हो गया आपराधिक मानववध अब मैं इसके पश्चात बताने जा रहा हूं हत्या दोनों चूंकि एक दूसरे के इतने कभी कभी ऐसे लगते हैं प्राय परीक्षाओं में कि बहुत करीब लगता है परंतु बहुत दोनों में एक पतली लाइन है बहुत दोनों में बहुत बारीक रेखा है बट अथिन लाइन बी ड्रॉन बिटवीन कल्पेबल साइड एंड मर्डर दोनों में एक पतली रेखा खींची जा सकती है दोनों में मौलिक अंतर यह है पहले तो हम देखेंगे कि स्टैचू भारतीय जनसंहिता की धारा 300 के अंतर्गत हत्या को कैसे परिभाषित किया गया है तत्पश्चात ये देखेंगे कि दृष्टांत क्या है और उसके पश्चात न्यायालय के निर्णय क्या हैं सुप्रीम कोर्ट का उस पर और धारा तीन के अंतर्गत जो पाँच अपवाद बताए गए हैं कि इन पाँच अपवादों के अंतर्गत मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध तो होता है परंतु हत्या नहीं होती अब आपराधिक मानववध वह भी है जो सेक्शन 299 में बताया गया है और आपराधिक मानवबद्ध वह भी है जो सेक्शन 300 में पांच अपवाद बताए गए हैं वे आपराधिक मानववध तो होते हैं परंतु हत्या की कोर्ट में नहीं आते हैं तो साधारणतः जब हम कभी दोनों में अध्ययन करते हैं तो पहले हम कल्पेबिल हमें साइट दो पढ़ते हैं और तीन के पाँच अपवाद को एक साथ पढ़ते हैं परंतु इस लेक्चर के माध्यम से यह बताने में कठिनाई होगी कि पहले कल्पेबिल हमें साइट पढ़ा जाए और उसके पश्चात मर्डर पढ़ा जाए दोनों पढ़ने के पश्चात हम जब तुलनात्मक कंपरेटिव स्टडी करेंगे तब ये पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है वह उस समय दो सौ निन्यानवे की बातें और तीन सौ में जो पांच अपवाद हैं दोनों एक दूसरे के एक साथ अपने आप ही क्लब हो जाएंगे कि कलपेबिल हमें साइड न केवल दो सौ निन्यानवे में बताए गए तीन परिस्थितियों में होता है बल्कि तीन सौ धारा तीन सौ के जो पांच अपवाद हैं वे भी कल्पेबिल हमें साइड के अंतर्गत माने जाते हैं तो पहले मर्डर को डिफाइन करते हैं देखते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि आई की धारा तीन के अंतर्गत जो हत्या को परिभाषित किया गया है किस रूप में किया गया है स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत हत्या मर्डर को परिभाषित किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि जो चार परिस्थितियां बताई गई हैं धारा 300 के अंतर्गत कि जब कोई कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है पहले में इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है कि इफ पर्सन हैज कमिटेड मर्डर अ पर्सन हु हैज किल्ड समबड़ी जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है यदि आशय के साथ किया है तो उसे हम हत्या मानेंगे दूसरे दूसरे खंड के अंतर्गत यह जानते हुए क्षति कारित करता हो जिससे मृत्यु होना अधिसंभाव्य हो यहाँ अधिसंभाव्य शब्दावली हिंदी में मतलब है कि जो हाईली प्रोबेबिलिटी है अनधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु है उसको यहाँ देखना है तीसरा है ऐसी सारी क्षति कारित करना जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है अर्थात ये जो शारीरिक क्षति जो तीसरे खंड के अंतर्गत मर्डर को डिफाइन किया गया है कि ऐसी शारी क्षति कारित करना जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उतनी क्षति मृत्यु कारित करने के लिए सफिशेंट होती है पर्याप्त होती है तो उस आपराधिक मानवबद को हत्या माना जाएगा चौथा इसमें दिया हुआ है कि कार्य करने वाला व्यक्ति यदि जानता है कि उस कार्य का अनधंभाव्य परिणाम मृत्यु होगा तो उसे भी हत्या माना जाएगा मर्डर माना जाएगा दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे धारा 300 के अंतर्गत चार खंड बताए गए हैं पहला खंड बताया गया है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का आपराधिक मानववध किया जाए वह हत्या की कोर्ट में आएगा यदि साशय यह जानते हुए आशय सहित उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए इसको दृष्टांत के माध्यम से समझें जैसे हम कभी समाचार पत्र के माध्यम से देखते हैं या हमारे समझ साक्ष्य आता है कि अमुक व्यक्ति की एक सीना बोरा मर्डर केस हुआ हाँ जिसमें इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को उसमें अभियुक्त बनाया गया था सीना बोरा मर्डर केस सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे छात्र बहुत ही मीडिया के द्वारा चर्चित वह मर्डर था कि सीना बोरा नाम की एक बालिका की कारित की गई और कई उसको उसके कई टुकड़ों में उसको काटा गया और उसके पश्चात उसको जला दिया गया तो इस प्रकार की जो किलिंग होती है इस प्रकार की जो मृत्यु कारित की जाती है इसमें नॉलेज और अधिसंभाव्यता की बात ही नहीं होती इसमें धारा तीन सौ का जो प्रथम खंड है इंटेंशनल किलिंग डिलिबरेट किलिंग है ये डेलिबरेट मर्डर है जहाँ पे व्यक्ति को व्यक्ति की मृत्यु इस तरह से की जाए कि उसके कई टुकड़े कर दिए जाएँ और तत्पश्चात उसको जलाया जाए तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी यह संशय नहीं होता कि इसे हत्या माना जाए या न माना जाए इसी तरह से ये तो एक उदाहरण हो गया दूसरा दृष्टांत यदि छात्र समझ सके तो दिल्ली में घटित हुआ था तंदूर कांड के नाम से नैना साहनी हत्याकांड के नाम से जानते हैं उसको ये मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह केस है और इस दृष्टांत के माध्यम से आप धारा तीन का जो प्रथम खंड है हत्या को समझने में आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि ये मर्डर होगा कि कल्पेबल पेबिल होगा ये डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि इसको हम मर्डर माने या कल पेबिल माने जब इस प्रकार की किलिंग की, की जाए नैना साहनी हत्याकांड में क्या हुआ कि नैना साहनी नाम की एक महिला की मृत्युकारित की गई और उस मृत्युकारित करने के पश्चात उसके शव को कई टुकड़ों में कटकी काटा गया और तत्पश्चात तंदूर जहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती हैं उस भट्टी में उसके बाड़ी को डाल करके जलाया जा रहा था रात में पुलिस रात में गश्त पे थी दिल्ली पुलिस गश्त पे थी दिल्ली पुलिस को कुछ सस्पिसस लगा कि रात में इतने टाइम कुछ बाड़ियों को जलाया जा रहा है वहाँ पे पाया गया कि उसका नौकर इसमें सर्वेंट के माध्यम से उसको जलाया वो ला के बॉडी को जला रहा था तंदूर में वो तंदूर कांड के नाम से भी तंदूर केस के नाम से भी फेमस है और उस नैना सहानी मर्डर केस में जब उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया जो तत्कालीन वहाँ पे राजनीतिक था एक राजनेता था उसको अरेस्ट किया गया उसने कन्फेस्ट किया स्वीकार किया कि ऐसी परिस्थितियों में उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध था और उसने इस बात को पूछा तो उसने स्वीकार भी किया और उसके टेलीफोन जब उसका टेलीफोनिक रिकॉर्ड निकाला गया तो मालूम हुआ कि कैसे कैसे वो बात करती थी कैसे इसलिए उसने उसको मारा अर्थात जब ऐसी परिस्थितियों में मैं बताने का फैक्ट तो बाद में देखेंगे इस प्रकार की यदि नैना साहनी के मामले में जिस प्रकार से किलिंग हुई है मृत्युकारित की गई है तो यहाँ पर मात्र भी संदेह नहीं है कि वह हत्या नहीं होगा यह कल्पेबिल हमें साइड माना जाए ये मर्डर है ये हत्या है डिलिबरेट मर्डर है धारा 300 के प्रथम अपवाद में आएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जब किसी व्यक्ति का आशय मारने का हो इंटेंशन टू किल हो तो इंटेंशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे साक्ष के आधार पर हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे कि उस व्यक्ति का आशय था उसको मारने का या नहीं तो इन्हीं साक्षियों के माध्यम इस प्रकार की अगर कीलिंग है तो हम उसको मर्डर मानेंगे तीन सौ के प्रथम अपवाद तीन सौ के प्रथम खंड के अंतर्गत इंटेंशन टू किल नासानी केस सीनाबोरा केस के माध्यम से हम उसको समझाने का प्रयास हमने किया है दूसरा यह है कि ऐसी शारीरिक कर यह जानते हुए ऐसी शारीरिक क्षति कायित करना जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कायित करने के लिए पर्याप्त है अब इसको दृष्टांत के माध्यम से समझें कि जहाँ पर एक व्यक्ति क के द्वारा ख पर इस प्रकार चाकू से हमला किया जाता है कि क ख के पेट में चाकू से कई प्रहार करता है और ख के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को चाकू से काट कर क्षतिग्रस्त कर देता है अब यहाँ पर क के द्वारा ऐसी सारी क्षति कारित की गई ख पर जो कि आते कट गई पेट में उसके पे महत्वपूर्ण और उसके लंग्स को फेफड़े को भी काट दिया ये डॉक्टरी साक्षी के माध्यम से मेडिकल रिपोर्ट में और उसकी मृत्यु हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो हमला हुआ था वो धारदार हथियार से था और उसकी मारक क्षमता इतनी है कि ऐसी परिस्थितियों में इतनी शरीर के अंग को अगर इतना काटा जाए तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति भी मर सकता है और मरना उसका निश्चित है तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो क के द्वारा कृत्य किया गया ख के शरीर पर महत्वपूर्ण अंगों पर उसको काटा गया यह ऐसी शारीरिक क्षति है ऐसी बॉडली इंजरी है जो सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी अब इसमें मर्डर माना जाएगा हत्या होगा इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है अब धारा 300 के चौथा चो, जो खंड है कि आपराधिक मानववध हत्या होगा यदि कोई व्यक्ति ऐसी ऐसा आएस, कार्य करता है या जानते हुए कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु का होना अनधाव्य है मृत्यु का होना निश्चित है संभाव्यता का मतलब यहाँ पे निश्चितता से है मृत्यु निश्चित है तो वह हत्या का अपराध करता है धारा 300 के चौथे खंड के अंतर्गत दृष्टांत के माध्यम से समझें कि कैसे एक व्यक्ति के द्वारा यह जानते हुए ऐसा कार्य करना कि उस कार्य से मृत्यु का होना निश्चित है और मृत्यु हो जाए तो वह हत्या मानी जाएगी दृष्टांत के माध्यम से इसे समझो जो दृष्टांत दिया गया है आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत उसी दृष्टांत को मैं यहां कोट करना चाहता हूं कि क किसी व्यक्ति विशेष का मारने का आशय न रखते हुए एक भीड़ पर तोप का गोला टैंक टैंक चला देता है और किसी एक व्यक्ति की ख की मृत्यु हो जाती है यद्यप कि ख को मारने का इरादा न रहा हो परंतु क के द्वारा टैंक का मुंह भीड़ की तरफ कर करके और टैंक से गोला दाग देना तो टैंक से गोला दाग देना और गोली का निकलना यह क को, को इस बात का ज्ञान है कि जो कार्य कर रहा है उससे मृत्यु का होना निश्चित है तो मृत्यु की निश्चितता यह क को, को हत्या के लिए अपराधी ठहराएगी हत्या के लिए दोषी ठहराएगी इसी दृष्टांत के माध्यम से धारा तीन सौ के चौथे खंड को देखें तो उसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है संदेह नहीं है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह दुष्कर होता है थोड़ा सा दुविधा होती है कि जो शब्दावलियाँ यूज की गई हिंदी में उसका वह चूंकि अंग्रेजी का रूपांतर है तो वह हिंदी की व्याख्या उस रूप में नहीं हुई है जो छात्रों के लिए बोधगम्य हो जो उसको आसानी से समझ है इसलिए मेरा यह प्रयास है कि उसको सरलता से हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं पी सी एस या ए की परीक्षाएँ दे रहे हैं हिंदी भाषी छात्रों को विशेष ध्यान रखते हुए मैंने स्लाइड तैयार किया मैंने व्याख्यान तैयार किया कि उनको इस प्रकार की दुविधा ना हो प्राय मैं देखता हूँ जो मैं अनुभव एक्सपीरियंस किया हूँ अपने टीचिंग के पिछले 12-15 वर्षों के जो मैं अपने शिक्षण कार्य के दौरान महसूस किया अनुभव किया हूँ कि छात्र प्राय क्लास में पूछते हैं कि जो अनधि संभाव्यता शब्द यूज की गई है संभाव्यता शब्द यूज की गई है इससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हत्या माना जाए कल पे बिलोम होगा तो मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ क्लास में भी और यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो धारा तीन का चौथा खंड है जिसमें यूज वर्ड शब्दावली यूज की गई है कि जब कोई कार्य एक व्यक्ति यह जानते हुए करता है कि उस कार्य का अनध्य संभाव्य परिणाम मृत्यु होगा तो वह हत्या का दोषी होगा अनध्य संभाव्य परिणाम का मतलब यहाँ पे हाईली प्रोबेबिलिटी जो डिग्री ऑफ नॉलेज है वह ज़्यादा है इसका मतलब है अगर हम परसेंटेज में गणित के रूप में बात करें मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में यदि हम करें तो नाइन्टी उसको यह ज्ञात है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे मृत्यु होना निश्चित है उस मेंटल स्टेट से अगर कोई कार्य करता है और वह मृत्यु हो जाए तो हत्या का दोषी है जैसा कि दृष्टांत के माध्यम से मैंने आपको बताया दो धारा तीन सौ के चौथे खंड पर दृष्टांत दिया हुआ है कि क एक टैंक तोप के गोले से भीड़ पर गोला चलाता है टैंक दागता है और भीड़ में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क ने कौन सा अपराध किया क हत्या का दोषी होगा इसी धारा तीन सौ चौथे खंड पर आधारित है तो ये मैं समझता हूँ कि इन दृष्टांत के माध्यम से धारा तीन सौ के चार खंडों में लिखी गई बात तो कि किन परिस्थितियों में आपराधिक मानववध हत्या होगा ये धारा तीन के चार खंड बताए गए हैं अब आते हैं इसके पश्चात कि 300 में पाँच धारा 300 में पाँच अपवाद दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु कारित कर दे तो वह हत्या नहीं है बल्कि आपराधिक मानवबध माना जाता है वह इसलिए आपराधिक मानवध माना जाता है कि व्यक्ति को कोई ऐसी परिस्थिति कोई ऐसी बात कह दी या ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि व्यक्ति उससे आत्मनियंत्रण की जो उसका सेल्फ कंट्रोल है मस्तिष्क पर वह खो देता है और मस्तिष्क पर आत्मनियंत्रण की शक्ति खो देने से वह उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क होता है और उस आवेश जनित अचानक आवेश जनित या अचानक मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देने के पश्चात यदि कोई वह मृत्यु कारित कर दे तो वह उसको उसी पायदान पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर कि व्यक्ति कोई साशय किसी की मृत्युकारित करता है इसलिए उसके अपराध को कम करते हुए आपराधिक मानववध माना जाता है हत्या नहीं मानी जाती है यह तो उसका तर्क हो गया यह पहला अपवाद है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप जब मृत्यु कारित की जाए तो वह आपराधिक मानववध माना जाएगा हत्या नहीं इसको दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे इस पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण केस है उसको समझेंगे तब दोनों के अंतर्गत अंतर समझेंगे अब आते हैं धारा तीन के जो पाँच अपवाद बताए गए हैं कि कब आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा पहला एक्सेप्शन दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप कोई मृत्यु कारित की जाए तो वह आपराधिक मानववध होगा हत्या नहीं होगा मैं स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा इस स्क्रीन पर आप देखें धारा 300 के मैंने पांचों अपवाद को लिखा है और पांच अपवाद को एक एक करके फिर इसकी व्याख्या करेंगे और उस पर महत्वपूर्ण वाद को महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसको डिस्कस करेंगे तो धारा 300 में जो पांच अपवाद बताएंगे और स्वस्थ होगा पहला अपवाद दिया गया है कि गंभीर अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप परिणामस्वरूप मृत्युकारित करना मैंने उसमें केस लिखा है नानौती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इसको अभी एक अलग अलग व्याख्या करेंगे अपवाद दो है तीन का निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अधिक में मृत्युकारित करना यह भी कल हमें साइड होगा मर्डर नहीं होगा तीसरा है लोक सेवक के द्वारा विधिपूर्ण कार्यों के निष्पादन के दौरान मृत्युकारित करना यह भी आपराधिक वध होगा हत्या नहीं होगा चौथा है तत्काल आवेशजनित झगड़े के फलस्वरूप मृत्युकारित करना यह भी आपराधिक वध होगा हत्या नहीं होगा और पाँचवा है जहाँ पर किसी व्यक्ति की सहमति से मृत्युकारित की जाती है वहाँ पर भी वह आपराधिक वध का दोषी होगा हत्या का नहीं होगा ये पाँच अपवाद दिए गए हैं जिन में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब इन पांच में पांच परिस्थितियों में किसी की मृत्यु कारित की जाए तो वह मृत्यु कारित किया जाना मात्र आपराधिक मानववाद माना जाएगा हत्या नहीं अब एक एक करके अपवाद को देखते हैं कि धारा तीन सौ का प्रथम अपवाद है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के स्वरूप मृत्यु कारित करना जैसा कि आप सभी जानते हैं आपराधिक मानववध में सजा कम है कारावास कम है दंड कम पनिशमेंट कम है और हत्या में पनिशमेंट ज़्यादा है तो अभियुक्त के विरुद्ध यदि हत्या के आरोप लगते हैं आपराधिक मानववध के आरोप लगते हैं तो अभियुक्त हमेशा धारा 300 के जो अंतर्गत पांच अपवाद बताए गए हैं इनका लाभ लेना चाहता है तो भारतीय साक्ष अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी भी धारा का लाभ लेना चाहता है वह साबित करना चाहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य धारा 300 के पांचों अपवादों में से किसी एक अपवाद में आता है तो साबित करने का भार उसी अभियुक्त पर होगा कि उसका कार्य हत्या नहीं है बल्कि आपराधिक मानवबद्ध है और वह धारा 300 के प्रथम अपवाद में आता है पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए लिखित परीक्षा के लिए रिटर्न टेस्ट के लिए दूसरा है फैक्चुअल जानकारी तथ्यात्मक जानकारी के लिए कि तीन के पाँचों अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसको याद रखना है अब ये धारा तीन का जो प्रथम अपवाद है वह निर्बंधन के अधीन है कुछ शर्तों के अधीन है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप मृत्युकारित करना आपराधिक मानवबद्ध माना जाएगा कल पे होमेसाइड होगा मर्डर नहीं होगा यह कुछ कंडीशन के अधीन है वह कंडीशन क्या है कि व्यक्ति स्वेच्छया प्रकोपित न हुआ हो प्रकोपन से तात्पर्य यहाँ पे उत्तेजित होना व्यक्ति यदि स्वेच्छया प्रकोपित हुआ है उस प्रकोपन में परिणाम स्वरूप व कोई मृत्युकारित कर देता है तो वह हत्या माना जाएगा और कल पे भी नहीं होगा तो पहली कंडीशन हो गई गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के पराम शुरू मृत्युकारित करना वह यह हो गया कि व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपित ना हुआ हो वह किसी के द्वारा प्रकोपित किया गया हो दूसरा है कि लोक सेवक के द्वारा विधिपूर्ण कार्य करने के दौरान यदि कोई कार्य किया जाए उससे यदि कोई व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है और उसकी मृत्यु कार्य लोक सेवक की मृत्यु कार्य कर दे तो हत्या होगी कल्पेबिल होमेसाइड नहीं होगा और उस अभियुक्त को धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ नहीं दिया जाएगा तीसरा हो गया कि जब कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में व्यक्तिगत शरीर अथवा संपत्ति की प्रतिरक्षा में कर रहा है और उसके द्वारा प्रकोपन या आवेशन दे दिया जाए और उसकी मृत्यु कायद कर दी जाए तो यह कल्पेबिल होमेसाइड नहीं बल्कि मर्डर माना जाएगा तीन मैंने कंडीशन बताई धारा तीन सौ के प्रथम अपवाद में तीन शर्तें बताई गई हैं और तीन पहली शर्तें हैं कि व्यक्ति जो धारा तीन सौ के प्रथम अपवाद का लाभ लेना चाहता है अभियुक्त उसे न्यायालय के समय साबित हुआ हो करना होगा कि वह स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ था उसको प्रकोपन मृतक के द्वारा दिया गया था या मृतक के सगे संबंधी के द्वारा दिया गया था मृतक के द्वारा प्रकोपित किया गया था आवेशित किया गया था और आवेश का स्तर इतना ज्यादा था कि वह अपने आत्मनियंत्रण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया और तत्पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर दी दृष्टांत के माध्यम से इसको समझेंगे उच्चतम न्यायालय का इस पर निर्णय है उसको समझेंगे दूसरा है लोक सेवक के द्वारा लोक न्याय की अभिवृद्धि के लिए विधिपूर्ण कार्य करते हुए यदि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे व्यक्ति आवेशित हो जाए उत्तेजित हो जाए और लोक सेवक की मृत्यु कारित कर दे तो यहां पर गंभीर और अचानक प्रकोपन तो है लेकिन लोक सेवक के द्वारा दिया गया प्रकोपन है उसको मारा गया है मृत्यु मृत्युकारित की गई है यह हत्या माना जाएगा इसमें कल्पेबिल होमेसाइड नहीं माना जाएगा अब इसको दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क एक सिपाही न्यायालय के द्वारा जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी वारंट को लेकर के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए जाता है और अभियुक्त को कहता है कि तुम्हारे खिलाफ़ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना है यह सुनकर अभियुक्त आक्रोशित हो जाता आवेशित हो जाता है और अपने आत्मनिर्पण की शक्ति से वंचित हो जाता है वह उत्तेजित हो जाता आवेशित हो जाता है प्रकोपित हो जाता है और वह कांस्टेबल की मृत्यु कायद कर देता है अब यहाँ पर यह कहा जाए कि उस अभियुक्त ने जिसके खिलाफ़ न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था सिपाही के द्वारा उस न्यायालय के द्वारा न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट के निर्देश में गिरफ्तार करने के लिए जाना और अभियुक्त के द्वारा सिपाही की मृत्यु मृतकायत कर देना क्या अभियुक्त को धारा 300 का प्रथम लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा उत्तर हमेशा नेगेटिव होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कांस्टेबल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो लाखू लाइक्ट है वह न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा है अरेस्ट वारंट को लेकर के अभियुक्त के घर वह उसे गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है और अभियुक्त अगर इससे प्रकोपित हो रहा है ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि अभियुक्त उसको देख करके प्रकोपित हो गया और उसकी मृत्यु मृत्युकायत कर दी मानववध कर दिया तो यह मानववध जो है हत्या की कोर्ट में आएगा मर्डर माना जाएगा और उसके लिए उसको दो सिद्ध किया जाएगा एक ध्यान ये देना है दूसरा दृष्टांत इस दिस पर तीन के प्रथम अपवाद पर है कि जैसे मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया हमला किया मुझे अब उस हमले को बचाना है किसी ने मेरे ऊपर गोली मारी गोली मुझे लग भी गई और मैं अब उस दूसरी गोली से उससे पुनः गोली मार रहा मैं उस गोली से बचना चाह रहा हूँ और मैं अगर उसकी मृत्यु कारुत कर दूँ तो मुझे आई की धारा सौ के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा क्योंकि उसने पहले ही मुझे एक गोली मारा है प्राणघातक हमला किया है घोर क्षति कारित की है और उस घोर क्षति के विरुद्ध हमलावर को मारने का अधिकार धारा सौ के अंतर्गत आई में दिया हुआ है लेकिन यदि मैं प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मैं अपने शरीर पर आ, मैं अपनी इसको इस दृष्टान के माध्यम से समझें कि एक लुटेरा मेरा गन पॉइंट पे मेरे जेब से पैसा निकालने का प्रयास कर रहा है मैं उस लुटेरे को विफल करने के लिए अगर गोली मार दूं तो ये धारा 103 के अंतर्गत लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य को क्षम घोषित कर दिया जाएगा लेकिन जहाँ पर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे पर प्रहार कर रहा है और दूसरे उस प्रहार से बचने का प्रयास कर रहा है और वह इतना आक्रोशित हो जाता है कि दूसरे को जो उस पर हमलावर है जो उस पर हमला कर रहा है, लेकिन हमला मृत्यु मृत्युकारित करना और क्षति घोर क्षति नहीं हो सकती उस हमले से वहाँ पर यदि हमलावर को मारा जाएगा तो यह माना जाएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिक में मृत्युकारित की गई और वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप में दुकाई नहीं माना जाएगा उसको धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं होगा इसको दृष्टांत के माध्यम से और बहुत ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिन परिस्थितियों के मा... धारा 300 के प्रथम अपवाद में नहीं बताया गया है कि वे कौन से बोले गए शब्द होंगे या कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जिन परिस्थितियों से व्यक्ति कोई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी गंभीर और अचानक प्रकोपित हो जाएगा ऑल ऑफ सडेन अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देगा और किसी की मृत कायद कर दे तो उसको हम कल पेबिल केवल आपराधिक मानव मानवबद्ध मानेंगे हत्या नहीं मानेंगे ये कौन सी परिस्थिति होगी वे कौन से बोले गए शब्द होंगे इसको धारा तीन के प्रथम अपवाद में डिफाइन परिभाषित नहीं किया गया है न्यायिक निर्वचन के माध्यम से आया कि वे परिस्थितियां जो किसी स्वस्थ मस्तिष्क को स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को भी उद्वेलित कर दें अंदर से इतनी आक्रोशित कर दें कि वह उन परिस्थितियों को देख करके स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी या कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देगा और वो यदि वह मृत्यु कायद करता है तो उसे आपराधिक वध माना जाएगा हत्या नहीं उदाहरण के तौर पर जहाँ पर एक भाई अपनी बहन को किसी आपत्तिजनक हालत में देखता है और बहन को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है लैंगिक संभोग करने की स्थिति में देखता है कोई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी, व्यक्त भी अपनी बहन को कोई भी भाई अपनी बहन को ऐसी स्थिति देकर करके गंभीर और अचानक प्रकोपित हो सकता है और वह हमलावर के निमित्त कायत कर दे तो उसे धारा तीन के प्रथम अपवाद का लाभ प्राप्त होगा और तीन के प्रथम अपवाद का ही लाभ प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसे धारा सौ के अंतर्गत जो रेप है ब्लासंग करने का प्रयास ब्लासंग करने के आरोप के दौरान रेपिस्ट को जो ब्लासन करने का प्रयत्न कर रहा है उसके निमित्त मृत्यु कर दी जाए तो शरीर के प्रतिरक्षा में यह मृत्यु कार्य करना छम या धारा सौ के अंतर्गत तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये धारा सौ और धारा तीन सौ का प्रथम अपवाद में कैसे कनेक्शन है प्राय छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी करने जाते हैं तो उनको इस बातों का ज्ञान नहीं हो पाता कि हम दोनों में कैसे देखें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब धारा सौ में बताए गए सात परिस्थितियों में यदि कीलिंग नहीं हो रही मृत्यु कार्य नहीं की जा रही है उससे बाहर हो जा रही है मृत्यु कायद किया जाना वो धारा सौ में बताए गए सात कंडीशन में नहीं आता तो उसका एक ही परिणाम होगा कि उस व्यक्ति को उस अभियुक्त को केवल और केवल धारा तीन सौ के प्रथम अपवाद या द्वितीय अपवाद के अंतर्गत लाया जाएगा और आपराधिक मानवबध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि सौ के प्रथम धारा सौ के सात में से किसी एक कंडीशन में ला देता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को क्षम किया जाएगा और माना जाएगा कि मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं था तो इन दो धाराओं को एक साथ देखना है और मैं ये बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि धारा सौ तीन सौ प्रथम अपवाद को जोड़ करके कि गलतियाँ होती हैं प्राय ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित परीक्षा में रिटर्न टेस्ट में तो आप सभी के लिए यह उपयोगी होगा लाभकर होगा अब इसको और दूसरे दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं धारा तीन सौ का जो प्रथम अपवाद है कि एक जहाँ पर एक पिता देखता है कि उसके पुत्र के साथ कोई अन्य व्यक्ति लैंगिक संभोग कर रहा है पुत्र के साथ कोई अननेचुरल ऑफेंस कर अप्राकृतिक अपराध कर रहा है सोडोमी का केस है और ऐसा पिता यदि अपने पुत्र को उस सोडोमी के अपराध से बचाने के लिए उसकी मृत्यु कारित कर दे तो यहाँ पर धारा 300 प्रथम अपवाद के अंतर्गत उसके मामले को लाया जा सकता है कोई ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कोई भी पुत्र कोई भी पिता अपने पुत्र को पुत्र के प्रति सोडोमी जैसे अपराध को देखते हुए गंभीर और अचानक रूप से प्रकोपित हो सकता है और उस हमलावर की मृतकायत कर दे तो धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत गंभीर अचानक प्रकोपन का लाभ देते हुए उसकी सजा कम हो जाएगी आपराधिक मानवपत का दोषी होगा यह सुप्रीम कोर्ट का केस एक है हंसा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ए आई सुप्रीम कोर्ट इसमें हंसा सिंह बनाम पंजाब राज्य या ए आई आर उन्नीस की जो केस है इसमें अभियुक्त को एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए अभियोजित किया गया था हंसा हंसा सिंह को अभियुक्त पर आरोप था कि उसने एक व्यक्ति की मृत्यु उस समय कारित की जब वह उसके अभियुक्त के पुत्र अभियुक्त के बालक अभयस्क बालक पर सोडोमी का केस लैंगिक संभोग कर रहा था उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ देते हुए माना कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि कोई भी पिता कोई भी पिता अपने पुत्र को उस हालत में देख करके गंभीर और अचानक रूप से प्रकोपित हो सकता है उद्वेलित हो सकता है और मृत्युकायत करना यह आपराधिक मानव मानवबद्ध माना जाएगा हत्या नहीं मानी जाएगी एक केस तो ये हो गया दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस है प्रायः ललवी के सभी छात्र इस पर जानते होंगे कि वह केस जो मैं बताने जा रहा हूँ के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है और यह बहुत ही पॉपुलर केस है इसको बहुत जगहों पर यह केट की मैंने इसमें स्लाइड के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है नानावती के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर सुप्रीम कोर्ट और इस स्लाइड को देखें स्लाइड स्क्रीन पर आप देखें ना के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई सुप्रीम कोर्ट इस केस को पढ़ने पर आप सभी छात्रों एक बात और मैं बता दूं अभी हाल ही में एक पिक्चर बनी थी रुस्तम रुस्तम मूवी का जो साक्ष्य है एविडेंस वह रुस्तम मूवी की जो पटकथा है स्क्रिप्ट है इसी आ, केस पर आधारित है पूरा जो इस केस में घटना घटित हुई उसी केस के आधार पर अभी रुस्तम नाम की एक मूवी बनी है आप सभी लोगों अगर देखे होंगे या देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए और ये साक्ष्य फैक्ट हमेशा याद रहेगा जीवन में याद करने के लिए हम अगर मूवी भी देख रहे हैं फिल्म भी देख रहे हैं तो उसमें हमारे लॉ के क्या पॉइंट हैं लीगल पॉइंट क्या हैं हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए इस के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में तथ्य को मैं पढ़े बताऊं के एम नानावती एक नौसेना अधिकारी है एक दिन जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी पत्नी उसके समक्ष कन्फेस्ट करती है स्वीकार करती है कि उसका संबंध से उसका लैंगिक संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ उसके मित्र के के एम नानावती के मित्र के साथ है यह सुन कर के एम नानौती उद्वलित हो जाता है और पत्नी से बार बार पूछने पर प्राय उसको डाउट है के एम नानावती को डाउट है कि प्राय उसके न रहने पर उसकी पत्नी बाहर जाती है फ़ोन पे बात करती है और पत्नी ने स्वयं एक दिन कह दिया कि वह अपने मैरिटल लाइफ से वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है और अभियुक्त के एम नानावती से संतुष्ट नहीं है इसलिए वह उसने किसी पर पुरुष से उसी के दोस्त थे उसने उससे संबंध बना रखे हैं यह सुन करके के एम नानावती अभियुक्त आक्रोशित हो जाता है और अपनी पत्नी को घर बताकर कि मैं अभी ऑफ़िस आ रहा हूँ ऑफ़िस जा रहा हूँ ऑफ़िस जाता है पिस्टल लेता है स्टोर से उसमें गोलियाँ भरता है और पुनः आकर के अपने बच्चों और पत्नी को लेकर के सिनेमा हॉल मूवी की दिखाने के लिए जाता है के एम नानावती के फैक्ट को देखें कि किएम नानावती के समक्ष जब उसकी पत्नी यह स्वीकार करती है कि उसका किसी पर पुरुष से संबंध है तो वह अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर के मूवी के लिए जाता है वहाँ छोड़ के और वह उस व्यक्ति के घर जाता है मृतक के घर जाता है और उस मृतक के घर के बेडरूम में शयन कच्छ में घुस करके उसको गोली मार देता है तत्पश्चात मूवी थिएटर में आता है पत्नी बच्चों को लेकर घर आता है गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के समझ वो स्वीकार करता है कि मैंने ऐसी परिस्थितियों में मारा है विचार न्यायालय के समझ जब वो लाया जाता है तो न्यायालय के समझ आईपीसी के द्वारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ लेना चाहता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप उसने मृत्युकारित की है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी कि वह व्यक्ति अचानक प्रकोपित हो गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि तीन चार घंटे का जो समय अंतराल है वास्तव में पत्नी के द्वारा पति के समक्ष स्वीकार करना निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति प्रकोपित हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह प्रकोपित होने के लिए पर्याप्त थी परंतु वह गंभीर थी लेकिन यह अचानक जो शब्द उसमें यूज किया गया गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होना चाहिए यह प्रकोपन अचानक नहीं है उसमें समय अंतराल है चार घंटे उसमें बीत चुका है और उसके मस्तिष्क को कूल डाउन करने के लिए शांत होने के लिए पर्याप्त समय था अतः जो चार घंटे पाँच घंटे का जो समय अंतराल है कि वह सुनने के पश्चात ऑफिस जाना बच्चों को मुँह छोड़ना तत्पश्चात उसकी मृतकायत करना यह स्थितियाँ गंभीर तो थीं प्रकोपन भी हुआ लेकिन अचानक प्रकोपित नहीं हुआ इसलिए धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा और उसे हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास दिया गया ये पहला केस है मैं इसको जल्दी से इसको समाप्त करूं धारा 300 का जो पांचवा अपवाद है कि सहमति से यदि मृत्यु कारित की जाए तो वह भी आपराधिक मानवबद्ध माना जाएगा हत्या नहीं माना जाएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाद है दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य का है आप सभी जानते होंगे कि जहाँ पर किसी अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपनी सहमति से मृतकायित होना सहन करता है उसकी यदि की जाए तो मृतकारित करने वाला व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं होगा मात्र आपराधिक मानवध का दोषी होगा यह दशरथ पासवान बना बिहार राज्य के केस में दशरथ पासवान जो अपिलार्थी अभियुक्त है वह कक्षा दसवीं में तीन बार लगातार फेल हो जाता है जबकि उसकी पत्नी जो 19 वर्षीय 19 वर्ष से अधिक आयु की है उसकी पत्नी शिक्षित महिला है और जब अपनी पत्नी को देख करके जब वह तीन बार लगातार हाई स्कूल में फेल होता है तो पत्नी के समक्ष अपनी आत्महत्या का प्रस्ताव रखता है पत्नी उसे कहती है कि पहले वह उसकी हत्या कर दे तत्पश्चात अपनी आत्महत्या करेगा इस पैक्ट के तहत जो है दशरथ पासवान अपनी पत्नी की मृत्यु कायद कर देता है जब वह अपने आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वह पकड़ लिया जाता है गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब ये मामला आया तो उच्चतम न्यायालय ने दशरथ पासवान को आईपीसी की धारा तीन सौ के पांचवें अपवाद के अंतर्गत कि चूंकि मृत्यु सहमति से कारित की गई अतः हत्या नहीं बल्कि आपराधिक मानववध का दोषी होगा और आपराधिक मानववध के लिए दशर पासवान को उत्तरदायी ठहराया गया तो ये मैं जो बता रहा था कि तीन सौ में जो पांच अपवाद दिए गए हैं कि कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा ये दो केस इसमें मैंने बताया और के एम नानावती का नाथन बना मद्रास राज्य का भी इसमें केस है जो नाथन बनाम मद्रास राज की केस आईपीसी की धारा 103 में भी महत्वपूर्ण है और नाथन बनाम मद्रास राज की केस यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट केस है तीन के पाँचवें अपवाद के अंतर्गत है हंसा बनाम पंजाब राज का जो केस है और इसके जो दो अन्य हैं ये तो 300 में पांच अपवाद हैं लोक सेवक के द्वारा लोक न्याय की वृद्धि के दौरान उसको दिए गए पावर उसके विध द्वारा दिए गए प्रदत्त शक्तियों से बाहर जाके अगर मृत्युकारित कर दी जाए तो लोक सेवक को भी आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा हत्या के लिए नहीं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिक में मृत्युकारित करना वो भी आपराधिक मानववध होगा हत्या नहीं होगा तो धारा तीन के अंतर्गत ये पाँच अपवाद बताए गए हैं जिन अपवादों के माध्यम से आप सभी आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर समझ सकते हैं मैंने आपराधिक मानव और हत्या में अंतर स्थापित करने के लिए आपको स्लाइड के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के केस के, के, के माध्यम से दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया पूरा विश्वास है कि आप सभी आपराधिक मानवध और हत्या से संबंधित विषय को भली भाँ समझे होंगे इसी के साथ ही मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद